मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से खटखरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत महादेवन मंदिर में लगी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर मंगलवार शाम विवाद हो गया। आगजनी के बाद दो पक्षों में भयंकर मामला बिगड़ा, एक दूसरे पर पथराव किया गया। घटना में चार लोग घायल भी हो गए। वहीं एहतियात के तौर पर मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने पूरे क्षेत्र में धारा 163 और उसके पूर्व में 144 लागू कर दी थी। मौके पर जेसीबी मशीन लेकर अतिक्रमण हटाने के लिए मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पहुंचे। वहीं मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल को हिरासत में लेकर पुलिस ने फिलहाल रीवा भेज दिया है। कलेक्टर एसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। रीवा से वज्रवाहन और बल बुलाकर तैनात कर दिया गया है। बता दें, महादेवन मंदिर परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ अपने तरीके से प्रदर्शन किए गए। हिंदूवादी नेता संतोष तिवारी 3 दिनों से धरना देकर भूख हड़ताल कर रहे थे। मंगलवार की देर शाम मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल भी धरने में शामिल हुए। वहीं मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने अपने समर्थकों के साथ जेसीबी की मदद से दीवार तोड़ने की कोशिश की। विधायक की मौजूदगी में भीड़ उग्र हो गई। वहीं दीवार तोड़ते देख अतिक्रमणकारियों के बीच झड़प हो गई। दोनों पक्षों ने जमकर पथराव किया। बता दें कि मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विधायक और उनके समर्थक जिला प्रशासन पर दबाव बना रहे थे। वहीं जुलाई में कोर्ट ने स्टे दिया था। एसपी रचना ठाकुर ने बताया कि दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। विधायक ने कहा कि 3 महीने बाद भी कब्जा नहीं हटा है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।